पूरा अपडेट ले रहे हैं टाइम टू टाइम, इस केस की भी और पूरे एपीसोड की भी अपडेट लै रहे लगातार। और दूसरा उन्होंने सारे का धन्यवाद किया जो कोऑपरेशन स्टेट वालों मिली है, जिस तरह लोगों ने आपसी सद्भावना जी कायम रखी है, कम्यूनल हार्मनी यूनिटी कायम रखी है, वो वास्ते थैंकफुल है सारी स्टेट के। जी सब तो अहम गल है कि उन्होंने वालों बहुत क्लीयर डायरैक्शन है भी किसी को भी अननेसैसरीली हरास नहीं किया जाऊगा इस केस के। पुलिस किसी भी इनोसेंट बंदे इस केस के बुक नहीं करेगी। ये नहीं कि सिर्फ जेडे कोई फॉलोअर सीगे जां कोई जनरली फॉलो करते सी उन्होंने किसी तरह नाल हरास नहीं किया जाऊगा। सिर्फ उही लोग जेडे इस केस के डीपली इनवॉल्व सीगे सिर्फ उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई की जाऊगी। ये प्रॉपर डिफरेंशिएट किया जाएगा कि किहड़े बंदे इनोसेंट आ, किहड़े बंदे जेडे ने हार्डकोर आ इहदे विच, और जिन्हां दी कोई छोटी मोटी कई बार, क्योंकि यूथ साडा बहुत इनोसेंट आ, कई बार कई गलत आंसर जिहड़े अपने पिछे ला लैंदे आ, पर जिहड़े भी इनोसेंट बच्चे आ उन्हां नूं वॉर्निंग दे के ही छड्डिया जाएगा इहदे विच। जिस तरह के तुसीं देखिया है पुलिस ने हुण तक उन्हां दी मदर उन्हां दी वाइफ नाल वी उहदी नाल गलबात कीती आ, पर उन्हां नूं किसे तरह का हरास नहीं किया गया। साडे लेडी ऑफिसर्स ने जाके गल कीती उत्थे। हुण तक जिहड़े 207 बंदे असी अलग अलग जगह दे उत्ते इस केस दे विच इस एपीसोड दे विच डिटेन किए हैं, सैक्शन दे विच उन्हां विचों 30 लोग ऐसे आ, 30 बंदे ऐसे आ जिहड़े क्रिमिनल केसिस दे विच जिन्हां दी गिरफ्तारी पाई जाएगी। बाकी 177 जिहड़े इस डिटेन किए आ उन्हां दे खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है कि स्टेट दे विच पीस नूं मेनटेन करन वास्ते टैंपरेरी तौर पर एक्शन लिया गया है, और वो 177 नूं असीं वेरीफाई करके जल्दी असीं रिलीज़ करांगे। उन्हां नूं लंबा टाइम लई अंदर नहीं रख्या जाऊगा। उन्हां नूं जिहड़े 30 जणे जिहड़े हार्डकोर क्रिमिनल केसिस दे विच इनवॉल्व ने उन्हां दी ही गिरफ्तारी पएगी केसिस दे विच। बाकी 177 जिहड़े आ उन्हां दे खिलाफ़ प्रिवेंटिव एक्शन जिस तरह मैं दस्सिया वो लिया गया है, और उन्हां नूं लंबा टाइम लई नहीं रख्या जाएगा। जिस तरह तुसीं पहलां भी देखिया जदों RPG अटैक होया सी सरियाली दे विच, उदों कुछ युवेनाइल सीगे जिन्हां दा बहुत थोड़ा कनैक्टिंग रोल सी, कोई उन्होंने एक जगह तो दूजी जगह कुछ ट्रांसफर कीतियां सी, कुछ पैसे ट्रांसफर कीते सी, पर पता नहीं सीगा, उन्हां नूं वार्निंग दे के छड्डिया गया सीगा। सो ये पक्ष बहुत ही जिहड़ा वा संवेदनशीलता दे नाल देखिया जा रहा है कि किसी भी यूथ नूं किसी भी पब्लिक दे बंदे नूं इस एक्शन दे विच अननेसैसरी हरासमेंट ना होवे। जिथों तक प्राइम अक्यूज़ की गल आ अमृतपाल सिंह की, उहदे ते कुछ अपडेट्स हैगे आ, उहदे विच जिहड़ी लेटेस्ट गल सामने आई है उहदा रूट लगातार पुलिस ट्रैक कर रही है। जलंधर रूरल पुलिस भी लगी हुई है उहनां दे नाल, बाकी जिहड़े साडे विंग्स आ उह भी हैल्प कर रहे आ, और जो देखण च आया कि उत्थों दौड़न तो बाद लास्ट दे उत्ते शेखूपुरा हैगा एक जगह बिलगे दे लागे, उत्थे भी एक गुरद्वारा साहब दे लागों इन्होंने एक बाइक लई, फिर काफ़ी देर कोशिश की कि क्योंकि दरिया क्रॉस करन वास्ते बेड़ी लभन की भी कोशिश की गई, पर जदों बेड़ी नहीं लभी फिर जिहड़ा लाडोवाल दे लागे एक पुराना पुल आ, परले पास एक पुराना पुल हैगा लाडोवाल दे लागे, वह पुल क्रॉस करके उस तो बाद एक हार्डीज़ वर्ड जगह है उहदे लागों रात दे टाइम दे उत्ते पहलां उत्थों आ के ईवन लाडोवाल रेलवे स्टेशन दे आस पास भी गए, फिर ये जिहड़े नाले दे एसोसीएट सी ते उत्थों एक ऑटो लिया गया, और अल्टीमेटली जिहड़ी इन्हां दी फर्दर जदों जदों असीं अगे अगे चले गए ट्रेल करदे गए तां लास्ट जिहड़ा सी हरियाणा दे विच जिहड़ी साडे कोल एक पुछगिछ भी आई, गुरपेज भेजा जिहड़ा फड़िया सीगा उहनें भी दस्सिया सीगा कि हरियाणा दे विच एक जगह दे उत्ते इन्हां ने ठार लई हो सकदी आ। और उस केस दे विच फिर एक लेडी आ बलजीत कौर जिन्हों हरियाणा पुलिस दे नाल सांझे ऑपरेशन दे विच उस लेडी नूं कस्टडी च लिया गया, वो लेडी दी पुछगिछ तो अगे फर्दर ये गल चली कि जिहड़ी 19 तरीक दी रात सीगी उस रात नूं ये उहदे घर रुकिया कुरुक्षेत्र दे विच। ये जिहड़ी लेडी आ ये पप्पलप्रीत नूं पिछले 2.5 साल तो जानदी सीगी, बलजीत कौर आ लेडी दा नाम, और इन्हें कहा कि 2.5 साल तो पप्पलप्रीत ये टच सीगा। 19 तरीक नूं करीब रात नूं उत्थे पहुँचे है, उत्थे रात रुके आ, उत्थों की भी एक CCTV फुटेज सानूं मिली है जिदे विच जिहड़ा है उहदी तोर दिख रही है, अंबरेला लिया होया है, फेस जिहड़ा है
वो नहीं है, बट चाल तो पता लग रहा है कि वो जिहड़ा अमृतपाल सिंह है। सो इस लेडी नू अरैसट किया है। लेडी नू अरैसट करन तो बाद हुण फरदर अगे जिहड़ियां साडियां टीम्स आ उहनू अगे वी ट्रायल मतलब ट्रेल कर रही हैं इस नू। और मैनू उम्मीद आ कि जिस अग्रैसिवनैस दे नाल सारियां टीम्स लगियां हुई हैं जल्दी इहनू जिहड़ा वा लोकेट कर लिया जाएगा। इस केस दे विच जिस तरह मैं पहला दस चुका है कि हुण तक 207 बंदियां नू डिटेन किया सीगा जिहचों 30 दी अरैसट पाई जाएगी। हुण तक जिहड़े ने अमृतसर रूरल दे विच 3 केस रजिस्टर होए आ अमृतपाल सिंह दे खिलाफ़, जलंधर रूरल दे विच भी 3 केस रजिस्टर होए आ, 12 दे करीब इस केस च वैपन मिले आ सानू, और फरदर इन्वेस्टिगेशन इस केस की जारी है। एक होर जिहड़ा है बंदा अरैसट किया है खन्ना पुलिस ने, जिहदा नाम तजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम आ उहदा। उहदे विच FIR नंबर 23/23 नू दर्ज की आ उत्थे पुलिस स्टेशन मलौद दे विच, और उहदी पुछगिछ तों और उहदे मोबाइल जिहड़े उहदियां डिटेल्स तों काफ़ी तत्थ इहो जिहे सामने आए आ जिथों ये पता लगता है कि ये लोग एंटी नैशनल एक्टिविटीज़ दे विच इनवॉल्व सीगे, जिहदे विच कुछ जगह दे उत्ते वीडियोग्राफ्स मिली हैं जिहदे च फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्लू वाला खेड़ा नदी दे कंडे ते एक फायरिंग रेंज बना के उत्ते प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ इन्हां कोलों उहदे विच जिहड़ियां फुटेजिज जिहड़ियां उहदे विच फोटोग्राफ्स मिली हैं, उहदे च जिहड़ी आनंदपुर खालसा फौज दे होलोग्राम्स बनाए हुए इन्हां ने, वैपनज़ नूं खोलण जोड़न दियां कुछ वीडियोग्राफ्स मिली हैं उहदे विच, तो काफ़ी होर भी काफ़ी इस तों भी सेंसिटिव ते सीरीयस जिहड़ा मटीरियल इहदे चों मिलिया है जिहड़ा इंडीकेट करता है भी ये जिहड़े लोग आए एंटी नैशनल एक्टिविटीज़ दे विच इनवॉल्व सीगे और देश विरोधी जिहड़े काम सीगे ये होर भी कई तरह के कर रहे सीगे। फरदर उहदी पुछगिछ जारी है। सो इस तरह के जिहड़े हार्डकोर बंदे इनवॉल्व आ इस केस दे विच उन्हां दे खिलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस केस दे विच हुण तक सारे पंजाब तों सारिया ने ही बड़ा योगदान दिता और सारे वालों इस पूरे एपीसोड दे विच, क्योंकि यूथ जिहड़ा पंजाब दा वा आपां सारिया ने देखिया जिहड़े लोग 80 तो पहलां दे पैदा होए बड़ा माड़ा टाइम उन्होंने देखिया है। सो जिहड़े बच्चे 90 तो बाद पैदा होए उन्होंने वक्त देखिया नहीं असल च, उहदे करके उन्होंने पता नहीं है इहदियां इंप्लीकेशनस की है। सो ये सारे वास्ते एक लैसन भी है, तदे ही असी इस बहुत संवेदनशीलता दे नाल देख के स्टैप लिया है कि भी किसी भी इनोसेंट नूं इहदे विच तंग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तुहाडे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होंदा तुसीं पुछ सकदे। एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ। इस केस में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल पीसफुल है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब लगातार सब ऑफिसर से सबसे टच में है, पूरे जो ये एक्शन हो रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर रहे हैं, और उनकी तरफ से उन्होंने थैंक्स किया है पूरे पंजाब निवासियों का जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में कम्युनल हार्मनी यूनिटी मेंटेन करके रखी है। और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है इसमें, किसी भी इनोसेंट को किसी केस में बुक नहीं किया जाएगा। जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं जो सही में क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी स्क्रीनिंग करके डिफ्रेंशिएट करके जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो यूथ है जो मिसगाइडेड थे इनोसेंट हैं पता नहीं है इशू का, अगर उनको डिटेन किया गया है तो वार्निंग देके उनको छोड़ा जाएगा। इस केस में अब तक हमने 207 लोगों को इसमें डिटेन किया है। 207 में से 30 ऐसे लोग हैं जिनकी अरेस्ट डाली गई है अलग अलग केसेस में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। 177 ऐसे लोग हैं जिनको प्रिवेंटिव तौर पे डिटेन किया गया है मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑफ एंड जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उनकी किसी केस में गिरफ्तारी विदाउट वेरिफिकेशन नहीं डाली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो 177 जो जिनको सिर्फ प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है उनको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा इस केस में। जहाँ तक अमृतपाल के जो ट्रेल का क्वेश्चन है, उस केस में हमने काफ़ी हमारी टीम्स ने ट्रैक किया है, काफ़ी लोकेशंस पे CCTV फुटेजेस मिली हैं। और उस केस में जो फर्दर आया कि शेखूवाल विलेज है बिलगा के पास, वहाँ गुरुद्वारा साहब है, वहाँ से भी बाइक चेंज की गई। उसके बाद जो रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए पहले बेड़ी जो है लेने की कोशिश की गई, जब नहीं मिली
तो पुराना एक ब्रिज है वहाँ से क्रॉस किया। काफ़ी उस एरिया में घूमने के बाद एक हार्डीज वर्ड के पास ऑटो लेके फिर फर्दर मूवमेंट जो लोकेट हो रही है उसके बाद जो मूवमेंट है वो हरियाणा में कुरुक्षेत्रा में लोकेट हुई, जो कि एक हमारे पास जो कस्टडी में है गुरतेज बेजा, उसने भी इंटेरोगेशन में बताया था कि कोई लेडी है जहाँ पे वो जाके हार्बर ले सकता है। तो वहाँ से अब हरियाणा पुलिस की हेल्प से एक लेडी को अरेस्ट किया गया है, बलजीत कौर नाम की लेडी को। उस लेडी से ये पता चला कि 19th की रात को दोनों पपलप्रीत और अमृतपाल वहाँ रुके थे। पपलप्रीत करीब पिछले 2 साल से ऊपर के टाइम से उस लेडी का नोन है, काफ़ी बार पहले वहाँ पे ये रुक चुका है और उस दिन भी दोनों वहाँ पे गए थे काफ़ी देर रात वहाँ रुक के, नेक्स्ट डे वहाँ से वो मूव किए हैं। फर्दर इसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और पूरी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो अमृतपाल है ये हमारी गिरफ्त में होगा। और इस केस का इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है जो बहुत देर से काफ़ी लोगों को ये आशंका थी कि शायद वो पुलिस कस्टडी में है, तो जितनी ट्रेल्स आ रही हैं जितने हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिल रहे हैं उससे एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि अभी उसको लगातार ट्रेल किया जा रहा है, अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। एक और FIR खन्ना पुलिस ने रजिस्टर की है जिसमें एक तजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम का जो व्यक्ति है जो क्लोज एसोसिएट है अमृतपाल का उसको अरेस्ट किया है। उस केस में FIR नंबर 23 पुलिस स्टेशन मलौड़ में रजिस्टर की गई है जिसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है और उसके जो फ़ोन है उसी जो जो हमने उसका जो एनालिसिस किया तो काफ़ी ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला जो कि एंटी नेशनल मटेरियल है, जिससे कई जगह पे वो फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोगोज हैं जो अकाल अनंतपुर जो खालसा फौज के बने हुए हैं, वेपन्स की प्रैक्टिस, वेपन्स को खोलना जोड़ना, वेपन्स का डिस्प्ले, ऐसी बहुत सारी फुटेजेस मिली हैं। इसके अलावा और इससे भी सेंसिटिव मटेरियल मिला है जो इंडिकेट करता है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो पुलिस अपना पूरा एफर्ट कर रही है जो मेन अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करने के लिए। और दूसरा जो हमने बहुत ही सीरियसली कंसिडर करके ये डिसीज़न लिया है कि किसी भी जो यूथ है मिसगाइडेड यूथ है किसी को अननेसेसरी हरास नहीं किया जाएगा। और जो 207 लोग कस्टडी में लिए हैं उसमें से जो 30 लोग हार्ड कोर हैं उनकी अरेस्ट डालने के बाद जो 177 प्रिवेंटिव कस्टडी में लिए गए उनकी स्क्रीनिंग करके जल्दी उनको रिलीज किया जाएगा। सर ये कहा जा रहा है कि अब हरियाणा के बाद उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है, कुछ नहीं, हमने जैसे ही हमें पता चला कि वो पंजाब से बाहर चला गया तो सारी बाकी स्टेट पुलिस जो है बाकी स्टेट्स की जो पुलिस है उनको हमारी तरफ से अलर्ट चला गया। हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि उसकी जो मूवमेंट है कहीं भी हो सकती है, हरियाणा से किसी तरफ भी जा सकता है। हमारी टीम्स लगातार लगी हुई हैं उसमें, जैसे जैसे हमने कुरुक्षेत्र तक जो हमारे सारी फुटेजेस हमें मिली है तो आगे भी हम इसको प्रॉपर स्क्रीन कर रहे हैं कि कहां कहां तक जा सकते हैं। सर ये जेड़ा पब्लिक के नाल हैगा इदी बलजीत कौर है, इदा कोई ब्रदर भी हैगा जेड़ा किसी प्रशासनिक अधिकारी दा लीडर? हां ऐसा वो फैक्चुअल है, वो किसी वहां पे कोई SDM लेवल के ऑफिसर है, उनके ऑफिस में रीडर लगा हुआ है। That is all fact. ये सारी चीजें लगातार पुलिस उधर ट्रेस कर रही थी, बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि पंजाब तो हरियाणा पहुंच गया, शाहबाद एक दो दिन रहा और उसके बाद फिर आगे। देखो ये विच एक तो मेन ही आ गया कि उन्हें अपना पूरा जेड़ा पेस बदल लिया सीगा, जिस तरह तुसी देखा है कि पग बनी हुई है, गॉगल्स लगाई हुई है, अलग अलग अनएक्सपेक्टेड चीजों के उत्ते चढ़ के वो जा रहा है, फुटेजेज आ रही हैं जी। सो वो जो चीजा ने उन्होंने कई बार जिहड़े बंदे ड्यूटी ते हुंदे आ जां जिहड़े बंदे चैकिंग कर रहे हुंदे एकदम उन्हां नूं अंदाजा नहीं लगता इस चीज़ का, पर एफर्ट जिदा मैं कह रहा कि लगातार जिहड़ियां सीसीटीवी फुटेजेस भी तां पूरा एफर्ट करन दे बाद मिल रही है, सो इहनूं लगातार ट्रैक कर रहे हैं। अब तक जो वहां पे उसने जो हमें प्रिलिमिनरी बताया कि हुलिया अभी सेम है, टर्बन बांधी हुई थी, गॉगल्स लगाई हुई थी, लेकिन जो उसकी मुस्टैचेज हैं उसको उसने फिक्स किया हुआ था बियर्ड के साथ, तो ये उनकी पूछताछ में ये चीज सामने आई है। सर नहीं ऐसा नहीं है, वो पूछताछ नहीं है बिकॉज उसके जो हमने कुछ लेडी ऑफिसर्स उनके रेजिडेंस पे गई थी और उनसे बातचीत की है उनकी पत्नी से उनकी वाइफ से, लेकिन वो एक कई उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते, बट ऐसा किसी को हम लोग अननेसेसरी हरास नहीं करेंगे। वीडियोस जिहड़ियां ने इदां चैट्स जिहड़ियां अलग अलग दिखाई जा रही ने
टिप्पणी कर सकते जीडियो कुछ अठारह जीडियो अच्छा ट्रेनिंग वाली जो टाइमिंग वगैरह चेक कर रहे हैं जी फोन दे विच कुछ वीडियोस मिली हैं जिदा मैं दस्या जिहड़ियां खन्ना वाले तो खन्ना सर फ्रॉम जंगल टू शाहबाद देयर वाज नो मिड बे हॉल्ट ऑफ अमृतपाल एंड पप्पलप्रीत नहीं वो चीज जदे चेक कर रहे हैं बिकॉज़ जिदा टाइमिंग तो ए लगदा है कि भी वो रुकदे जिदा बट ए नहीं कि किते हॉल्ट कीता बट बंदा स्लो जांदा है मेबी व्हीकल्स चेंज करदे ने हुण वी कैन नॉट से वो क्यों क्योंकि रस्ते दी हुण फुटेज सारी जगह तो देखो कनेक्टिंग बनी जा रहा है हुण साडे कोले जिहड़ा जलंधर एरिए दी पूरी ट्रेल आ गई है कि कितों कितों गया किधरों किधरों दी गया ईवन हार्डीज वर्ड तक जिदा मैं दस्या लुधियाना दा एरियाज दी आ गई सो फर्दर क्योंकि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस इहदे विच बहुत टाइम लगदा है सर जिदा ओह लगे होए आ लगातार ओह अग्गे अग्गे ट्रैक कर रहे हैं सर जिदा जा रहे हैं जलंधर तों अग्गे अग्गे तों बाद सारी ट्रैकिंग हो जाएगी देखो राठी जी बिल्कुल मैन्यूट इन्वेस्टिगेशन दे डिटेल्स आ वो नहीं शेयर कर सकते बट जिहड़े बंदे फड़े गए सी चार बंदे भेजा जिहड़ा सीगा ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਤੀ ਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਤਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਵਹੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਮਲਟੀਪਲ That cannot be disclosed. उस पे ना हम लोग अभी कर रहे हैं बट जो इन्वेस्टिगेशन की इस केस में जो और डेप्थ में हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट बट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो अभी हम शेयर नहीं कर सकते वी आर इन टच विद ऑल सेंट्रल एजेंसीज देखो अलग अलग जगह से जिथे आप जो जलंधर की गल करते हैं उत्थे पहला चार बंदे सीगे उस तो बाद जिहड़ा मोटरसाइकिल ते पहला बैठा सी वो पप्पलप्रीत सीगा अगला एक होर लड़का सीगा सो अलग अलग जगह से बहुत क्लीयर फुटेज आई है ईवन जिहड़ी कुरुक्षेत्र की फुटेज आ वो चाहे पिछों आ उहदे विच इहने अमरेला फड़िया होया हाथ च पर तौर तो क्लीयर कट पता लग रहा है और अगले पास से जो बंद जा रहा है वो पप्पलप्रीत है वो भी पिछों बैक तो तौर तो क्लीयर पता लग रहा है लास्टली हाँ लास्टली कुरुक्षेत्र शाहबाद देखो यदा जो फेस है ना जी जो उन्होंने घर वाले ने दसिया कि फेस लुक्स सेम सीगियां पर जड़ी फुटेज हुण तक सानू मिली अजे असीं लभ रहे हो सकदा होर 15 मिंटां नूं नवीं फुटेज मिल जाए ही इज इन स्टिल टर्बन यस देखो ओही मैं कह रहा जी जिहड़े इदां दे इंसीडेंट्स जां इदां दे इशूज आ रहे हैं उहदे च बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स दे उत्ते डिसीजन लिया जा रहा है जे किसे बच्चे दा पेपर होएगा तां पेपर भी जरूर दवाया जाएगा जे वो बच्चा जिहड़ा प्रिवेंटिव कस्टडी च लिया गया वो तो बहुत ईवन सीएम साहब ने इत्थे तक जिहड़ा डिसीजन लिया वा कि जिहड़े फॉर्म्स भरे जा रहे हैं पेपर्स दे कई पेपर पंजाब गवर्नमेंट लै रही होगी कंपीटिशन एग्जाम जिहड़े ले जा रहे हैं कई दी डेट बिकॉज इंटरनेट बंद होने करके दो तीन दिन कई तो फॉर्म नहीं भरे गए होंगे उन्हां दी लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग दी वो भी एक्सटेंड की जा रही है सो हर हर देखो ये जड़ा पूरा एक्शन है ना जी इहदा जड़ा एम आ इहदा एम किसी के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं इहदा एम पंजाब च शांति बहाल करना जी साहब उत्तराखंड में उधम सिंह नगर है वो वहां के एसपी ने अलर्ट किया है क्या नहीं नहीं देखो जैसे हमने सारी जगह पे किया जहां पे हम सोच रहे हैं कि जहां पे जा सकता है वहां पे सारी जगह पे अलर्ट सर पंजाब पुलिस से पता लग गया कि अमृतपाल पंजाब छोड़ चुके हैं पहली बारी जिहड़ा भेजा जिहड़ा सीगा उहदी पुछगिछ च गल सामने आई सी कि पी ए प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की हैगी है उस तो बाद तुरंत जिहड़ी साडी टीम सी हरियाणा पुलिस के टच च आई
ਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਸਟੇਜ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋ ਫਾਰ ਯੂ ਹੈਵ ਰਿਕਵਰਡ ਦ ਚੈਸਟ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਪਨਸ ਜੀ ਦ ਟੇਬਲਸ ਆਫ AKF ਵਟ ਵਾਸ ਦ ਮੋਟਿਵ ਆਫ AKF ਐਂਡ ਹਾਊ ਹੀ ਹੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਇਟ ਹੂ ਆਲ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ AKF AKF ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਹੂ ਵਰ ਹਿਸ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸੀਨ ਇਨ ਆਰਮਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਵਿਦ ਵੈਪਨਸ ਕਾਰਟ੍ਰੀਜਸ ਐਟਸੈਟਰਾ mostly they are people who were part of AKF because they were wearing the BP jackets of AKF they were carrying weapons with the AKF and even this person who has been arrested by Khanna police even in his phone also we have found few logos of AKF so they were close associates and it indicates though it's very preliminary to say but it indicates that he was trying to build some type of armed force ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ ਕੀ ਫੰਡਿੰਗਸ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵਰਡ ਲਾ ਕੇ 9:40 ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ I don't say because he has changed his attire because the attire which was expected that he would have been wearing he was wearing the entirely different attire so he has been changing we are following him and we are on the train that is a big question that is a big question yes Pakistan is standing dekho jehde oh wala part hai na ji oh examine karke ohde te vi jo rational decision hai oh lya jayega sir aap koi cheez ka samne aayi isko aap pushti karte hain ki nahi karte abhi bhi iske bare mein koi pata nahi hai ਦੇਖੋ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬ ਤੱਕ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਅਬ ਤੱਕ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਹਾਂ ਪੇ ਰੁਕਾ ਥਾ 19th ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਸੀ ਫੁੱਟੇ ਜੀ ਹੈ ਫੁੱਟੇ ਜੀ
लेटेस्ट जी दे देंगे जी। हाँ जी जी कुरुक्षेत्र की एक फुटेज मिली है वो तुम शेयर कर देंगे कर देंगे। देखो लेटेस्ट जिहड़ा हैगा मैं तुहाडे नाल शेयर कर दित्ती लेटेस्ट जिहड़ी सीगी कि बलजीत कौर तक असीं पहुंच गए सीगे। फरदर उस तो अगे देखो सारिया स्टेट्स दियां जिन्नियां भी फोर्सिस आ सब नाल ही टच च क्योंकि असीं रूल आउट नहीं कर रहे किधर नूं जा सकदा किसी पासे भी हरियाणे तो भी कई जगह नूं रस्ते निकलदे आ किसी पासे भी जा सकदा सारिया नाल टच च असीं। जिस तरह उदन तुहानूं कुछ पिक्चर रिलीज़ कीतियां सीगियां उह पिक्चर भी सर्कूलेट कीतियां गईयां जिहड़ा हुलिया उस दिन सीगा वह डिफरेंट सीगा जिहड़ा सीसीटीवी फुटेज आया वह बिल्कुल डिफरेंट सीगा। सो काफ़ी सारिया पिक्चर सर्कूलेट हो रही हैं और ईवन जिस तरह यह हो सकता सानू यह भी पूरी उम्मीद है बल्कि मैं दोबारा अपील भी करांगा कि जिस तरह यह बलजीत कौर के घर ठहरिया इस तरह जे किसी होर दे टच च आवे जां किसी नूं पता लगे तो तुरंत शेयर करे सर। देखो 207 170 की प्रिवेंटिव अरैसट की गई है। प्रिवेंटिव अरैसट होंगी 751 के पीस में मेनटेन करने होंगी है 30 ऐसे ने जो क्रिमिनल केसिस इनवॉल्व ने जोड़ा तुम जिक्र कर रहे हो तो इदा मैं नहीं कह सकता बट जे कोई किसी ने कित पटीशन कोई मूव की है तो एग्जामिन होकर चैक हो जाएगा। देखो हर एक को लीगल राइट है जी कोई भी बंदा अपना जड़ा भारत का कानून आ कॉन्स्टिट्यूशन आ इजाजत दिंदा है हर एक को लीगल राइट आ जड़ा बंदा भावें क्रिमिनल एक्शन इनवॉल्व हो किसी भी केस अरैसट हो हर लीगल रेमेडी अवेल करता है। सो सारे लीगल रेमेडी जो अवेलेबल है एज पर लॉ वो सारे अवेल कर जोड़े व्हीकल्स ने यूज किए काफ़ी सारे व्हीकल्स के ओनर्स लोकेट हो गए और जिस तरह पहला उत्थे होया अपना नंगल अंबियां दे विच फिर जिहड़ा शेखूपुरा का मैं दस्या स्पलेंडर मोटरसाइकिल सीगा उहदा ओनर लोकेट हो गया ओनर का भी स्टेटमेंट जिहड़ी है ले जा रही है। नहीं वो चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं बिकॉज वो बंदा डायरैक्टली नहीं जानता सी जिहड़ी बलजीत कौर सी वह टच सी वो इहदा ना एसोसिएटेड सी। देखो जिहड़ा जिहड़ा क्रिमिनल हुंदा है ना जी जिहड़ा क्रिमिनल हुंदा है ना जी वो हमेशा अपने वालों कोशिश करता वा तो ट्रैक करते रहे हर वारी बहुत वारी इदा हुंदा वा मोटरसाइकिल जिदा किसी तो जिवें जिहड़ा शेखपुरा वाला जबरदस्ती लिया गया सीगा। सो इस तरह हुण जो जो ओनर मिल रहे आ उह ओनर दी स्टेटमेंट लई जा रही है तो सारे तदे मैं कह रहा पूरा ट्रैक कर रहे हैं और हर चीज वो चेक कर रहे हैं वो पार्ट नहीं नहीं वो देखो वो दोनों चीजें हैं पॉसिबिलिटी देखो ये चीजा जिहड़ियां ने हुण जिस तरह ये एक एविडेंस है जिहड़ा वीडियो रिकॉर्डेड एविडेंस है सो फार इदां दी कोई गल समझ नहीं आई नहीं इस तरह की अजे तक इदां दी कोई गल समझ नहीं आई। जिन्ना ट्रैक कर रहे अजे तक पप्पलप्रीत दो जने पहला चार जने ट्रैक हो रहे थे हुण लेटेस्ट जिहड़ा कुरुक्षेत्र दा जिदा मैं दस्या उत्थे पप्पलप्रीत दोनों ही सीगे जो घर वाले ने दस्या है जिथे रुके सीगे उत्थे भी दोनों ही बंदे सी। नहीं ये अभी पता नहीं चला जो लास्ट जैसे मैंने कहा कि 9:40 PM पे इन्होंने एक ऑटो लिया था हार्डीज वर्ल्ड के बाहर से उसके बाद कौन सा व्हीकल यूज किया ये अभी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज़। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है जहाँ
नहीं नहीं हमने सारी जगह किया है, वहाँ पे थोड़ा हाईलाइटेड ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज हमने सारी जगह अलर्ट किया है। अभी हमने जो मीडिया के जरिए जैसे आपको पिक्चर्स दी हैं, जो जो और इसमें रिक्वायर्ड होगा फर्दर, जो ह्यू एंड क्राई नोटिस, बाकी चीजें जो जो रिक्वायर्ड होगा, हम लोग सारा प्रोसीजर इसमें फॉलो करेंगे। हाँ वो आपसे शेयर करेंगे। वी हैव सर्कुलेटेड फोटोग्राफ्स, द फोटोग्राफ्स आर अवेलेबल विद ऑल पुलिस फोर्सेस थ्रू आउट द कंट्री, तो दैट मस्ट बी अवेलेबल विद दैट बॉर्डर। नहीं नहीं वो तो लोकल प्रोसीजर है जी, वो तो सारी पुलिस फोर्सेस फॉलो कर दी। वो लोकल तुहानू पुलिस दस पाएगी, थोड़ा थोड़ा जहा उ स्कफल होया सीगा उहदे च उहनां नू राउंड अप कर लिया गया, जो भी एज पर लॉ कार्रवाई बनती है की जा रही है। देखो ऑडियो के बारे में हमारी तरफ से अभी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऑफिशियली हमने कोई ऑडियो अभी एग्जामिन नहीं करवाई। ऑडियो जब तक फोरेंसिकली एग्जामिन होके एस्टेब्लिश ना हो जाए कि उसी की आवाज़ है, तब तक वी कैनॉट से ऑफिशियली कि वो ऑडियो किसकी है। सो आज तक ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी ऑडियो की नहीं है किसी के। मैं वही कह रहा हूँ जी, अभी तक जितने ऑडियोज सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी है, हमारी तरफ से किसी की अभी हमने वेरिफिकेशन करके उसको ऑथेंटिक नहीं किया। ये सर ये मुझे लगता है कि पुलिस दा कितना कितना फेलियर है, इंटरनेट बंद करते सारा कुछ बंद करता होता हरियाणा भी पहुंच गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं जी, हमेशा देखो क्राइम दे विच इदा ही हुंदा है, कई बारी हो जांदा है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हुंदा है ना, जिस तरह दे चोने अपना बिहेवियर फेस सब कुछ चेंज कर लिया। सो पुलिस का काम होता है, देखो पुलिस का काम ही है कि क्राइम नू प्रिवेंट करना, जे ना होवे प्रिवेंट प्रॉपरली वेरीफाई करके उन्हें डिटेक्ट करना। हुण इहदे च देखो इहदे च जिहड़ी मेन चीज है कि एफर्ट्स की कमी नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ इनपुट अपने को ले आ रही है, और देखो कितनी दूरों दूरों भी आप ट्रैक करके इनपुट आ रही है अपने को। पॉसिबल है अज की डेट च पंजाब दे विच किते भी कोई धरना नहीं लग्या होया जी। एक धरना मोहाली दे विच लग्या सीगा, वो धरना चुकया गया सीगा। एक हरी के पत्तन लग्या सीगा, वो भी धरना चुकया गया। उस जगह वी आर इनफैक्ट एट दिस टाइम वी आर मोर कंसर्नड विद फेयर इन्वेस्टिगेशन, with more concerned with making more efforts to arrest him. So हमारा focus अब इस पे है। वो that at this stage मैं नहीं कह सकता। ऐसा नहीं होता जी, ये बहुत सारे केसेस में, क्योंकि लगातार इट्स ये तो एक वॉर टाइप होता है, उसके पीछे लगे हुए हैं, वो भी सून अरेस्ट है। हाँ जी नहीं वो नहीं। थैंक यू। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखन लई सब्सक्राइब करो चैनल काशी टीवी, हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन, लाइक करो फेसबुक पेज काशी टीवी।